आपको पीलीभीत में दो टाइप के टाइगर देखने को मिल जाएंगे, एक रिजर्व फॉरेस्ट टाइगर, एक शुगर केन टाइगर। शुगर केन टाइगर पीलीभीत में वो है जो गन्ने में ही पैदा हुआ है और गन्ने में ही बड़ा हुआ। अरे तो शेर पकड़ो जा रहे, उससे क्या दिक्कत है? आए मैं काट दूँ ना, ये शेर है भाई, भाई जो हिलो है। निशाना ना लग रहा उनको। हाँ हाँ खेत है, लेकिन टाइगर की मूवमेंट यहाँ रहती है। ये सामने जड़ जंगलात का एरिया भी है, इनका अपने खेत भी है भाई के, जो हमारे साथ जा रहे हैं बाघ मित्र जो हैं, उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही। हमने कहा वो हमारे साथ गाड़ी में बैठो, तो बोले नहीं मैं पग मग देखता हुआ जाऊँगा। तो अच्छी लगी, तो उनका समझ में आया कितनी नॉलेज है इन चीज़ों की और कैसे वो आस पास के एरिया को देखते हुए चलते हैं। अवेयरनेस ही सब कुछ है, तो उसी पर वो अमल करते हैं। इन्हीं जगह को कहते हैं जहाँ बाघों का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ। यही जगह होती है और यही लोग विक्टिम होते हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ आसपास रह रहे हैं। देखो आपको पूरा जंगल वाला फील आ रहा होगा दोस्तों, ये देखो पर आ गए जंगल के बीचों बीच। टोटल कितना? 150 एकड़। 150 एकड़ का बाघ है, जंगल जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको तो सब यही मिल जाते। तो आपने यहाँ अपनी प्रॉपर्टी में टाइगर देखा है? अच्छा, लास्ट कब स्पॉट हुआ? अभी 15 दिन पहले लेपर्ड मीटिंग करते हुए देखा। अच्छा, यहीं पर? हाँ, आगे वाले को। अरे बाप रे, जबरदस्त यार, जबरदस्त। ब्रिटिश अंग्रेज भी आए थे ना यहाँ पे, टेंट वेंट लगाए, उस वाले में कैंप किया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने कैंप करा था यहाँ पे ग्रैंडफादर के टाइम में? नहीं, अभी 3 साल पहले, अभी कोविड से पहले। अच्छा, वो डॉटर थी, काफी उनकी महंगी कैंपिंग थी, राजस्थान से कैंपिंग वाले आए थे। अच्छा अच्छा, 7.5 लाख रुपए पर डे की कैंपिंग थी उनकी। 7.5 लाख रुपए पर डे, सोचो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन रुक के गए थे। अच्छा, ये जंगल का फील, आइए इनसे बात करते हैं। दोस्तों मैं बैठा हूँ पीलीभीत में और मेरे पीछे आप एक बहुत तगड़ा बाघ देख रहे होंगे। खैर, बाघ जिनका है ये बाघ मित्र भी कहलाते हैं। यहाँ बात शुरू करता हूँ, मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो बाघों को बहुत गहराई से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके साथ बहुत किस्से कहानियाँ हुए हैं। मेरा व्लॉग जो मैंने पहले शूट करा है, आप लोग उन्हें पहले उसमें देख लेंगे और ये एपिसोड आप बाद में देखेंगे। अब मैं इनसे पूछता हूँ वो बातें जो ये आज भी याद करते हैं, तो ये यकीनन कहीं ना कहीं सहम जाते होंगे, डर जाते होंगे, क्या क्या सीन दिखाता है ये जंगल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपकी बात कराता हूँ इनसे। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है
और बहुत थैंक यू आपका जो आपने हमें टाइम दिया। तो अपने ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुना दीजिए जो आज भी आपने बहुत कम लोगों को सुनाया। एक टाइग्रेस थी जो हम लोग काफ़ी टाइम से लगभग 2-2.5 महीने उसके पीछे डे नाइट लगे रहे पे उसको काफ़ी टाइम बाद जाके जब परमिशन मिली तो एक गन्ने के उसमें थी खेत में। तो जब हमारा स्टाफ हम लोग गन्ने को कवर करते हैं तो रस्सी नुमा एक खावर कहलाई जाती है उसको लगाते हैं जिससे टाइगर उस गन्ने से बाहर ना निकले। तो ऐसे ही हम लोग ककरौआ में लगवा रहे थे, हमारे संग हमारी खावर चल रही थी, मैं ट्रैक्टर पे था और मेरे जस्ट आगे हमारे आर ओ साहब थे अयूब हसन जी। अचानक एकदम हमने देखा कि हमारे ट्रैक्टर के सामने टाइगर आ गया। तो मैंने तत्काल देर कर ही अयूब भाई को अपनी तरफ खींचा और ट्रैक्टर आगे बढ़ाया। तो ऐसे 2-3 केस हैं, चलते रहते हैं टाइगर बचाने में। बताइए को आपने इतना टाइम दिया है, आपके ग्रैंड फादर भी उससे जुड़े हुए थे जंगलात से। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं दोस्तों, ग्रैंडफादर जो उन्होंने मैनिटर्स को भी शिकार करा जी। तो ये आप फैमिली लिखें, क्या हिस्ट्री होगी इन फैमिली की और कितनी इन्हें नॉलेज होगी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो सर और कुछ ऐसे सीन बता दिए जो आपके कभी ग्रैंडफादर ने आपको स्टोरी सुनाई हो, कुछ बताई हो। हाँ उनकी बुक्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा जी जी। एक मिस्टर रूपक डे साहब थे उस समय कमिश्नर रहे होंगे, तो एक मीरापुर का नरबक्षी था। तो जैसे ही दादाजी उसे शूट करने जा रहे थे तो कमिश्नर साहब स्लिप कर गए, तो एक हाथ से दादाजी ने कमिश्नर साहब को पकड़ा, दूसरे हाथ से टाइगर को शूट किया। तो ऐसे ही उनकी स्टोरीज में काफ़ी किस्से हैं। ऑपरेशन हमारा बनकड़ी चल रहा था, पीलीभीत के पास में गांव है, तो टाइगर हमारे ऊपर आ गया था। उस समय हम हाथी पे बैठे हुए थे। अच्छा। तो हमने और मोहब्बत ने कैसे उसको मार के, तो क्या सीन था पूरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या हुआ हम, क्या सीन था। हम लोग को सूचना आई कि वहाँ गन्ने में टाइगर है, उसने एक आदमी मार दिया है। तो उस समय हाथी हमारी बराई रेंज में ही थे, तो मैं हाथी लेके गया। जब गन्ने में कॉम्बिंग कर रहा था तो उसने हम लोग के ऊपर चार्ज किया था। चार्ज तो पकड़ा गया था? नहीं, वो भाग गया था फिर जंगल में। हाँ, टाइगर हम लोग नहीं पकड़ते हैं, जो टाइगर हम लोग को दुखदाई साबित हो जाता है, जैसे मैनीटर है, या आपको पीलीभीत में 2 टाइप के टाइगर देखने को मिल जाएंगे, एक रिजर्व फॉरेस्ट टाइगर, एक शुगर केन टाइगर। शुगर केन टाइगर पीलीभीत में वो है जो गन्ने में ही पैदा हुआ है और गन्ने में ही बड़ा हुआ है, उसने कभी जंगल नहीं देखा है। तो वो इंसानों से ज़्यादा घुल मिल भी गए हैं क्योंकि वो जब से पैदा हुए तब से इंसानों को देख रहे हैं। और जो उसमें रिजर्व में अंदर जंगल में पैदा हुआ वो घातक हो जाता है? वो घातक हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी इंसानों को देखा नहीं, इतना करीब से नहीं देखा है। तो और टाइगर की नेचर तो सभी आप लोग जानते हैं कि वो हमें 100 टाइम देखेगा तो हम उसको 1 टाइम देख पाए। हकीकत बात है ये। और जैसे आपने बताया था किस्सा मुझे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, वो क्या सीन था? टाइगर था हमारे संग था, वो हम नहर की पटरी के ऊपर चल रहे थे बाइक से, वो हमारे बराबर से चल रहा था। तो हमने उसकी नॉर्मल वॉक जब देखी अपनी बाइक की किलोमीटर पे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे वो नॉर्मल वॉक पे था। नॉर्मल वॉक होता, तो इससे दोस्तों अंदाज़ा होता है कि वो कितना तेज़ चलता है टाइगर, जबकि उसकी नॉर्मल वॉक है लेकिन कितनी तेज़ होती है। तो ये चीज़ें होती हैं टाइगर को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, इसका मतलब उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम आप सोच ही नहीं पाते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो देखो ये बहुत गहरी बात है, बहुत बारीकी वाली बात है दोस्तों। ये जंगल में आके ही आपको समझ में आएगी, या फिर कोई ऐसा आदमी बताए जो दिन रात बाघों के बीच में रहता है। तो मैं उसी व्यक्ति के साथ बैठा हुआ हूँ जो दिन रात, मुझे WWF से टाइगर मैन का टाइटल है पीलीभीत का, अलावा है ना टाइगर मैन का पीलीभीत। BBC लंदन की मैगजीन है गो वाइल्ड, उसमें भी मेरा आर्टिकल छपा हुआ है। तो मैं इनकी, जब इन्होंने मुझे जंगल के बारे में बताई तो मैं तभी समझ गया कि ये हमारे लिए और आप सबके लिए बिल्कुल करेक्ट आदमी है। तो जब इन्होंने बताया तो मुझे पता चला इनके फादर की, मैंने लोगों से जिक्र सुना है ग्रैंडफादर का। तो इन्होंने जो बताया, इनके बुक्स भी हैं, मैंने कई लोगों के मुँह से भारत से, तो उनकी किताबें भी हैं, जिक्र भी आया कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जंगलात में रहते हैं
तो इतनी तो मुझे इनकी स्टोरीज याद नहीं थी, लेकिन इन्होंने बताया तो कुछ कुछ कहानियां मुझे भी आ रही है। बाकी जो किताब देंगे मैं पढ़ूंगा, पब्लिक को भी सुनाऊंगा क्या क्या उनकी स्टोरीज रही। यकीनन बहुत एडवेंचर भरी लाइफ रही होगी उन्होंने उनकी, क्योंकि जंगल है, जंगल में जानवर है, जब जानवर होते हैं तो आदमी फिर नई नई कहानियाँ लेके ही निकलता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेरा जो अपना तजुर्बा है, टाइगर से सीधा जानवर कोई नहीं है, बशर्ते उसको आप परेशान ना करें, उसके संग रहना सीखें। बहुत ही सुंदर जानवर है। लगभग ये 2007 या 2008 की बात है, हमारे माधव टांडा के पड़ोस में एक गांव है कीरतपुर, तो वहाँ से सूचना आई कि टाइगर गांव में घुस गया है, उसने बकरी मार दी। उस समय हमारे आर ओ साहब थे इम्तियाज अहमद सिद्दीकी साहब, जो वर्तमान में DFO हो रही हैं, तो उनका मैसेज आया कि देखो टाइगर है। तो गए हम लोग, तो गांव से टाइगर को भगा के हम लोग नहर के किनारे ले आए। उसके बाद वो गहरा सा एक नाला था, उसमें चला गया, तो वहाँ के उन्होंने दारू वारू पी रखी थी, वो पटाखे डालने लग गए। टाइगर ने सेकंडों में जंप किया, उनका हाथ चबा दिया। खैर हम लोग चिल्लाए, टाइगर ने उनको छोड़ दिया, तुरंत तो उनको लेके फिर पीलीभीत हॉस्पिटल ले गए। इस टाइप के छोटे छोटे किस्से हैं, ये जंगलात की ज़िंदगी है दोस्तों, कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक पल में लगता कुछ भी नहीं है और दूसरे पल में टाइगर की बिल्कुल मौजूदगी जाहिर हो जाती है। तो ये चीज़ें आएंगे आप जंगल में तो आपको पता चलेगा। मैं बैठा हूँ एक फार्म पे, एक बगीचे में जो इन सर का ही है हमारे, तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके और बहुत जानने को मिला जंगल को और करीब से। तो देखिए वक्त हमें और क्या क्या चीज़ें दिखाता है, तब तक जो भाई ने और इन सब लोगों ने बातें बोली आप उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी बात है, और बहुत ध्यान से देखना इन वीडियोस को जो मैं अब पोस्ट करूँ, क्योंकि इसमें आपके लिए नॉलेज का ख़जाना होगा और जंगल में अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की जान बचा सकती है। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। रखूँ भैया? हाँ तो इन्होंने बताया कि ये आपके बाग के बीच में आ जाता है, ये उसकी बात कर रहे थे बाग की या गुलदार की, लेपर्ड की? टाइगर की। टाइगर की बात कर रहे थे, तो शाम में 7 बजे देखा है आपने, टाइम हो जाता है उसका? आज सुबह क्रॉस करके गया है। अच्छा, आवाज सुनी गया? अरे वो क्रॉस करके गया है, वो तो जब चलता तो हाँ करता ही है। तो ये आपके बगीचे से जंगल कितनी दूर है, कितना सटा हुआ है? जंगल है, ये सामने जंगल दिख रहा है आपको, जंगल ही है ये सब, कॉर्नर पे जंगल है। तो एक काम कर सकते, थोड़ा चले आगे तक वॉक कर, चलिए देख लेते हैं, गाड़ी घुमा लीजिए इधर, पैदल नहीं जाना। अच्छा, ये पैदल नहीं जा सकते यहाँ से? चलो जी, चल रहा है, गाड़ी चली जाएगी जंगल। मैं तो सोच रहा था वॉक करते हैं, गाड़ी पीछे रखिए, ऐसा नहीं। चलो आओ शान भाई, लेके आओ गाड़ी, कोई बात नहीं, चल लेंगे गाड़ी में बैठ जाएंगे, चल लेंगे, आइए अब ये चलाएंगे, हम पैदल चल रहे हैं। हाँ डंडे ले लो, पीछे हमारी गाड़ी रेडी हो गई है दोस्तों, और हम एक ऐसे ट्रैक पर हैं। अच्छा, हम हमेशा ट्रैक करना नहीं चाहते, लेकिन किस्मत ऐसी जगह पे ले आती है ना कि वापस करने मजबूर हो जाते हैं। जो यहाँ के ओनर हैं दोस्तों, इन्होंने खुद बताया कि यहाँ पैदल चलना सेफ नहीं है, गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, इनकेस कुछ होगा तो गाड़ी में बैठ लेंगे हम। तो यहाँ टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, और हम भी पहुँच चुके हैं। हाँ, सुबह क्रॉस करते बता रहे हैं, अभी लेपर्ड मीटिंग करते हुए देखा है। और ये डंडा जो है ना दोस्तों, ये हथियार है गांव वालों का, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो इसकी वजह होती है, मैं बताऊं किट्टी भाई आपको, ये वजह है पता है क्या, ये जो हल्के हल्के मारते हुए चले ना, अंदर जमीन में वाइब्रेशन हो रही है, तो जानवर को पता नहीं क्या लगता होगा, तो उससे दूर भागते हैं इस वाइब्रेशन से। ये वजह होती है डंडा लेके जंगल में चलने की। और कहीं भी लेपर्ड तो खैर पेड़ पे हो सकता है, कहीं पे भी, कहीं से भी आ सकता है। तो आज नहीं होगा है, देखो दोस्तों ट्रैक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पगमार वगमार दिख जाए। 3-3 महीने में बाघ जुटा देते हैं। अच्छा, चीतले वगैरह आती है उनके पीछे, फिर नॉर्मली टाइगर चला। आम की, लीची की कौन कौन सी फसल है? सभी है, दशहरा, बनारसी, चौथा, मुंबई। पीछे गाड़ी आ रही है हमारी। तो ये हम पीलीभीत में ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों,
जंगल स्टार्ट हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड है पूरा जंगल है। ये फेंसिंग आपने पर्सनली लगवा रखी है? ये पर्सनल है, ये वही इलेक्ट्रिक तो उस टाइप का है, ये झटका मारता है। अच्छा, सिर्फ झटका मारेगा या पंगमग से? तो अभी जैसे ट्रैक्टर चल रहा है ना दोस्तों, ट्रैक्टर की आवाज़ से टाइगर इधर उधर हो जाता है, कोई सा भी जानवर आवाज़ से भागता है। और देखो ईगरेट्स बैठी हुई है वहाँ पर, उड़ रही हैं ईगरेट्स, आपको दिख रही होंगे। भाई आराम कर रहे हैं बैठ के। अगर जैसे यहाँ पर बाघ आता है, ये लोग बैठे हैं, तो ये क्या करें, ऊपर तुरंत पेड़ पे चढ़ जाएं? सीधा तो भाई बाघ बाघ दिखा नहीं दिखा, बाघ दिखा नहीं दिखा। दूर के अच्छा, ये काम करने आए हैं, जुताई करने आए हैं, ये पूरमपुर के पास से। अच्छा, ये बाउंड्री खत्म है आपकी? वो जंगल की, वहाँ पे मोर चुन रहे हैं वो। हाँ, वो बिल्कुल जंगल की बाउंड्री पे नहीं है कि कुछ यहाँ पे फेंसिंग हो, कुछ सब खुला रहता है? अभी तो फिलहाल खुला हुआ है, अब गवर्नमेंट फेंसिंग कर रही है। अच्छा अच्छा, कर रही है। तो कितनी फेंसिंग होगी, कहाँ तक फेंसिंग होगी? और ये पूरा पीटीआर ही घेरा जाएगा। अच्छा, तो फिर उन्हें मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी? अब क्या किया जाए, सामने बिल्कुल। तो ये किधर है बाउंड्री जंगल की, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की? राइट है, लेफ्ट है, स्ट्रेट है। ये देखिए, तो उसके लिए कोई चीज माने थोड़ी देर की, वो तो जंगल है उसका, उसका जंगल है, उसका जंगल है, वो है कोई मतलब नहीं। अब ये जो की फीमेल का ये टेरिटरी अगर मैं कहूँ तो, ये नहीं है, ये उसके उधर वाली नहर के उधर। अच्छा अच्छा, वाली वो उधर ही रहती, इधर नहीं आती, इधर नहीं आती। और जो यहाँ देखा गया टाइगर वो कौन सा है? ये अलग, ये अलग है, वो लगभग लास्ट स्टेज में ही है अपने से। हाँ, अपने लाइफ का स्पैन उसका खत्म होने वाला है। 12-15 साल बहुत से बहुत 20, हाँ 2 हो गई 15, अभी तक तो बहुत मुश्किल है। मछली रणथंभौर वाली, तो ये जो घर बने हुए हैं ये आपके ही हैं या फिर जंगलात? हाँ, अपने हैं। अच्छा, सर्वेंट क्वार्टर है, मैंने आपको बताया 16-16 एकड़ का पैच। अच्छा, पैच में बना रखा है रखाने के लिए, रख रखान के लिए। यहाँ पे जंगल बाउंड्री है, पिलर लगा हुआ है। अच्छा, ये जंगल बाउंड्री स्टार्ट हो गई है। उन्होंने बताने के लिए। अब उस बात का रास्ता उधर से है भैया, उधर ही भाई रोक लेना, देखो गाड़ी पीछे रुकवा दी है। ये एक्सपीरियंस भी हम इन लोग करा सकते हैं दोस्तों आप लोगों को, टाइगर के गढ़ में और हम जंगल वॉक करा रहे हैं। ये लिखा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल बोल लिए, वोरी 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 हॉर्नबिल उड़ के गई है। और ये हमारे पीली टाइगर रिजर्व में केवल आपको बराही में मिलेगी। अच्छा, इसी क्या बात, यहाँ से जंगल का पूरा पैच है। ये स्टार्ट, देख लो, बस इसमें कुछ भी नहीं है और आप देख लो ये कैसे अंदर आ जाते होंगे। और मैं आपको बताता हूँ एक मजे की, टाइगर ये भट्टियाँ बनी हुई है, टाइगर इसमें चलना पसंद करता है जब वो शिकार पे आता है, और जब नॉर्मल रहेगा तो ऊपर भी चलेगा। कुछ पता नहीं, कहीं भी हो सकता है, बाघ उससे कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। ये देखो, हालांकि कोई पगमार्ग भी नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि मिट्टी वैसी हो चुकी है, गिर जाता। हाँ, सब खत्म हो गया। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर वगैरह के हैं। अच्छा, सब अंदर आ जाते हैं? सब सब सब
मतलब वाइल्ड वो भी बड़ा अग्रेसिव होता, लेकिन अब इनका साइज छोटा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। अच्छा साइज की बात आई सर, आपने कितना बड़ा टाइगर देखा होगा यहाँ पे पीटीआर में? एशिया का सबसे बड़ा फुटप्रिंट निकला था उस टाइगर। अच्छा कितने फिट था वो? अब ये साइज तो हम नहीं बतला दे रहे, बतला पा रहे हैं। सबसे हेल्दी टाइगर था वो यहाँ का। तो आपने देखा उसे, विटनेस करा? तब तो इनके पापा ही नहीं थे। टाइगर का जायजा ले रहे हैं। ठीक है, ये मतलब यही होता है कि दूर पे कोई जानवर तो नहीं, क्योंकि ऐसे खड़े होकर देखेंगे ना तो झाड़ आपके मुंह पे आएंगे, तो ऐसी बैठ के विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो ऐसे ही देखा जाता है। अच्छा अलार्म कॉल्स होती हैं जब टाइगर आता है यहाँ पे, अलार्म कॉल से पहचानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लोगों को ये भी पता नहीं था अलार्म कॉल क्या होती है, अब जैसे इस तरफ तो जानवर है, हमारे सर्वेंट्स को पता है, आपको भी पता है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, गांव वालों को हम लोग बतलाते हैं, अवेयर करते हैं जी, तो ये तगड़ी बात है दोस्तों, इस पे भी आप लोग गौर करना। मैंने अपने वीडियोस में ये बताया ना अलार्म कॉल्स, और जितनी वीडियो हो सके उतना शेयर करना, ताकि ये जो जंगल की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों तक पहुँचे। अब वापस गाड़ी में चल के बैठते हैं, दूर था तो अब चल के नहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जाएंगे। जगह आपको लेके जा रहा हूँ ना, इस जगह की खासियत है, अभी अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेस्ट हाउस, इनका नाम अभी आपने सोचा क्या रखा? जंगल सफारी के नाम से खुलेगा, जो लोग पीलीभीत आने वाले हैं। मैं बता दूं यहाँ नाइट स्टे के ऑप्शन कम है, ये कुछ जैसी जगह है जंगल के करीब जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, तो ये अभी ओपन हो रही है, अगले सीजन तक ये पूरी आएगी, और यहाँ रहने का मज़ा आपको यहाँ आके पता ही चलेगा। तो जंगल सफारी करके ये जो रिजॉर्ट है भाई का बन रहा है, अभी इसमें कमरे और बनेंगे, और पीछे कमरे बनाएंगे लोग, साइड में बनेंगे, तो बहुत शानदार लोकेशन, आपको पूरा नेचर वाला फील आएगा यहाँ। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या शुरू करवा रहे हैं हम? अभी रेस्टोरेंट चालू करेंगे ये। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कल हम घूम रहे थे तो स्टे की थी, ये बहुत तगड़ी चीज आपने सोची, और पब्लिक को मजा आएगा यहाँ रहने में, सीधा टाइगर के मुंह पे ही रहोगे आप दोस्तों, और टाइगर कहीं से भी आ सकता, कभी भी आ सकता। ये देखो, देखने में आपको मजा आ रहे होंगे, लोकेशन कैसा इन्होंने बिल्कुल एक जंगल वाला फील दिया है इसे। ये अगले तो सर अगले उससे चालू हो जाएगा ना, मैं भाई का नंबर भी नीचे दिखा रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड लोगों जो नेक्स्ट सीजन प्लान बनाएंगे तो इनसे कॉन्टेक्ट भी कर लेना। पूल का भी प्लान है, स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाएंगे, सब पूरा प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, तो अभी तो ये बेसिक है, जब आप अगले साल आके देखेंगे तो आपको बहुत शानदार एक और लोकेशन चीज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। थोड़ा मिट गया ना ये। अच्छा सब ऊपर से आया हुआ है चढ़ के? ये तोड़ा उसने पहले, आ नहीं पाया चावा, ये ऊपर से आया, ये निकल फिर कूद के आया, ये देखो ये निशान दे रहा आप पंजे के, उसके ऐसे आता है, तो लेपर्ड के लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये, सिर्फ कूद के आना। हाँ कई सारी बर्डिंग है, जो नेचर लवर है वो तो खो जाएंगे यहाँ आके, शानदार लोकेशन है ये। सोन पापड़ी जंगल के बीच में, क्या ही मजा आता है, तो ये जरूर खा के जाए सोन पापड़ी यहाँ के, ये बनाते हैं, बहुत मजेदार बनी है, बहुत टेस्टी है। कल साल से बना रहे हैं वो। बीच है चूका बीच भी है ना अंदर, ये उसका गेट है चूका इको टूरिज्म स्पॉट, तो अभी फिलहाल बंद है ये 14 तारीख से, 14 नवंबर से खुलेगा ये। लेपर्ड भी है, बट टाइगर भी है, टाइगर रिजर्व का गेट सामने, ग्रासलैंड दिख रहे होंगे आपको, गेट नंबर 4 चूका इको टूरिज्म महो फ्रेंच पीलीभीत टाइगर रिजर्व। भैया आप यहीं रहते हो, टाइगर वगैरह दिख जाते हैं आपको यहाँ? यही बाहर आ जाता है टाइगर? हाँ, जाता है। अच्छा तो यहाँ तो आपको कोई फेंसिंग भी नहीं है, अंदर रहते हो आप हैं? कैसे पता करते हो टाइगर आता है तो अलार्म कॉल से? कैसे देख रहे थे? अच्छा क्यों मोबाइल क्यों रखते आप? सिंगल लाती नहीं है, लगती नहीं मोबाइल। अच्छा करने के लिए ये ट्रैक्टर है,
ये देखो ये ट्रैक्टर है, रेस्क्यू करने के लिए पूरा कवर्ड होता है, ये इसको लेके जाते हैं जंगल के अंदर रेस्क्यू करने के लिए चीज़ों को। ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने बताया टाइगर आ जाता है यहाँ पे आसपास। और ये जो बीच है, जो बीच बना रखी है अंदर, ये कितनी दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर पे? 4 किलोमीटर। तो हाथी, हाथी भी आ जाते हैं यहाँ? इस तरफ नहीं आते हाथी। अब जो खुल जाता वहाँ पर तुम अंदर, हाँ फिर मजे आएंगे। अभी तो ये बंदे दोस्तों ज्यादा आगे तक मैं भी नहीं गया डर के मारे, मैंने खतरनाक है आगे जाना। बहुत अच्छी लोकेशन, थैंक यू भाई। अभी मैं पीलीभीत में हूँ और मैं खेतों को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ जहाँ जाए। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी गहरी नोट करी, लोग जो है खेत वाले, जिनके खेत हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कोई अकेला है कोई झुंड में काम कर रहा है, और ये गन्ने की फसल ये बहुत ऊँची ऊँची हो जाती है, और टाइगर इनमें रहना पसंद करता है जो यहाँ का आसपास का होता है, छुपना उसको मिलता है उसको, और कैमोफ्लाज करता वो मास्टर। चांस, खतरा तब हो जाता है जब वो लोग झुक के काट रहे होते हैं। 90% केसेस में टाइगर जब अटैक करता है तो वो गलती से करता है, अपना प्रे समझ के करता है, तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ जितने हादसे हुए, कोई मैनीटर नहीं था, कोई टाइगर वो नहीं था, लेकिन उसने जो हादसे करे वो अपना प्रे समझ के करे। और अभी यहाँ पर मुखौटे आने वाले हैं, सब गांव वालों को दे दिए जाएंगे वो, जब ये खेतों में आएंगे तो मुखौटा पीछे लगाएंगे और तब काम करेंगे। देखो मेरे पीछे आप खेत दिख रहे होंगे, तो टाइगर कहीं भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अब क्या करें, खेत हैं उनको, उनको भी काम करना है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो इन ख़तरों को ख़त्म तो नहीं कर सकती लेकिन टाल सकती है। ये हादसे होंगे आने वाले टाइम में, फिर होंगे, लेकिन कम से कम होंगे, ये हम इसको कर सकते हैं।